नमस्कार, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बिहार में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है और डरा देने वाली है। बिहार सरकार और तमाम केंद्र सरकार तक को जो है वो एक चिंता में डाल देने वाली खबर आ रही है। बिहार के गया में 4 कोरोना के नए वेरिएंट के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से 3 की बात की जाए तो वो बैंकॉक के हैं और 1 म्यांमार के। यानी बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनमें कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जो है प्रशासन और शासन के कान खड़े हो गए। मैं इस वक्त पटना के एयरपोर्ट पर मौजूद हूं, जहां पर आप देखिए कि यहां बाहर से आने वाले सैलानियों का तांता लगा हुआ है। बाहर से आने वाले जो बौद्ध भिक्षुक हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर अगर बात की जाए तो बौद्ध भिक्षुक जो हैं वो या बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं वो भारत के ही हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से आ रहे हैं। बोधगया में एक कालचक्र पूजा का कार्यक्रम होना है जिसमें दलाई लामा शामिल हो रहे हैं और वो यहाँ पर जो है लोगों को बौद्धिक देंगे, समझाएंगे और जो जीवन के पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे में यहाँ जो है बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले लोगों का जमावड़ा हो रहा है। जरा मैं जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर क्या स्थिति है, RT-PCR टेस्ट लोग कैसे करा रहे हैं, कितने लोग करवा रहे हैं। ज़रा देखिए अब तक कितने लोगों की जांच हुई है, यहाँ पर ये पूरा डेटा है। मैडम कितनी जांच हुई है अभी तक? 15 लोगों की टेस्ट हुई है। 15 लोगों की जांच हुई है, लोग करवा रहे हैं? हाँ, करवा रहे हैं। कुछ लोग खुद से करवा रहे हैं या रैंडम हो रहा है? अभी तो रैंडम ही हो रहा है, RT-PCR नहीं। RT-PCR मतलब RT-PCR जांच हो रही है अभी नहीं हुई है, एक भी RT-PCR नहीं हुई है। अच्छा, RT-PCR अभी जांच नहीं हुई है, लेकिन 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 अभी तक कोई पॉजिटिव पाया गया है? नहीं, अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं पाया, सारे लोग। ये सुखद सूचना है कि अभी तक जो है यहाँ जो कोविड की टेस्टिंग हो रही है इसमें अभी तक कोई पाया नहीं गया है। लेकिन मैं यहाँ जानने और समझने की और लोगों से भी कोशिश करूँगा, क्योंकि बाहर से आए हुए लोग नज़र आ रहे हैं। मैं ज़रा रुक करता हूँ। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? इंडिया? नो, रशिया। रशिया? एनी टेस्ट यू हैव? इंग्लिश? नो, इंग्लिश नो। इंग्लिश लोग, सॉरी, तो ये इंग्लिश नहीं समझते हैं और मैं रशियन नहीं समझ सकता हूँ, तो ऐसे में हमारे लिए कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन और लोग हैं, ज़रा मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने बताया कि वो इंग्लिश नहीं समझते, वो रशिया से आए हैं। मैं फिर भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो यात्री हैं दूसरी जगह से, दिल्ली से फ्लाइटें आ रही हैं, लोग यहाँ लैंड कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार अब क्या कदम उठाएगी, क्योंकि अब ये देखा जाए तो बिहार में या कई विदेशों से जो है भारत में BF7 की एंट्री तय मानी जा रही है, क्योंकि नए कोरोना वेरिएंट का गया में डिटेक्ट किया गया है। और इसके बाद जो है चिंता बढ़ गई है दोनों ही सरकारों की। अगर बात की जाए तो बिहार के अलावा केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का सबब है। अब तक यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन जो स्थिति है वो यही है कि अब लोगों के सामने चुनौती है कि अब इसके प्रसार को जो है वो कैसे रोका जाए, कोविड की टेस्टिंग को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन देखिए यहाँ पर लोग जो है, अब सवाल ये उठता है कि अब गाइडलाइंस भी अब आने वाली है। लेकिन इस बीच मैं ज़रा कुछ और लोगों से बात करूँगा कि भाई साहब एयरपोर्ट पर आप हैं, किसी को लेने आए हैं? मैं छोड़ने आया हूँ। छोड़ने आए हैं, लेकिन आपने मास्क नहीं पहना, कोविड की नई स्ट्रेन आ गई है। अभी तो उतना अलाउ है नहीं। अभी नहीं, तो अपनी तरफ से तो वैक्सीनेशन करा लिया है? वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन फिर भी जो है कोविड का नया स्ट्रेन जो है बताया जा रहा है कि वो खतरनाक है ज़्यादा। लेकिन अब जो है गाइडलाइन फ़िलहाल अभी सरकार की तरफ से कोई जारी नहीं की गई है, लेकिन ये अपने समझ की बात है कि अब उन्हें सचेत रहने की ज़रूरत तो है ही। लेकिन इस बीच जिस तरीके से गया में BF7 की पुष्टि होती नज़र आ रही है, 4 नए मरीज़ जो है वो पाए गए हैं, इसके बाद जो है सरकार और प्रशासन सभी के लिए जो है ये मुश्किल यहाँ पर खड़ी होती नज़र आ रही है। बैंकॉक से 3 मरीज़ हैं और 1 म्यांमार के हैं,
तो ऐसे में बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आखिर सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी और किस तरीके से जो है गया में बौद्ध भिक्षुकों का जमावड़ा हो रहा है, बड़ी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं, थाईलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, तो अभी जैसा कि आपने देखा ये रशिया से आए हुए लोग हैं। तो बौद्ध जो हैं वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हैं और गया में जो कि एक बड़ा बौद्ध गया में जो बौद्ध मॉनेस्ट्री है वो वहाँ पर है, तो ऐसे में बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। ऐसे में बड़ी चुनौती ये है कि क्या जो बाहर से आने वाले सैलानी हैं, यात्री हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उन्हें कैसे रोका जाए और क्या रोकने की वजह से क्या उनकी आस्था पर ठेस नहीं पहुंचेगी, और कई तरह के सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या विदेशी फ्लाइट्स को रोकना एक उचित कदम होगा, किस तरह से होगा, तो अब सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। चाहे बिहार की बात कर लें, केंद्र की बात कर लें, तो सभी सरकारों के सामने अब ये चार नए पेशेंट मिलने से जो है वो हड़कंप मच गया है। प्रशासन अलर्ट मोड में है, लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कोरोना के इस नए स्ट्रेन के बाद सरकार क्या क्या कदम उठाती है। क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद किया जाता है, क्या जाने पर विचार किया जा सकता है, या क्या ये बहुत जल्दी नहीं होगा। हालांकि बाहर से आने वाले लोगों पर जो सरकार है उसकी निगाह बनी हुई है और जांच जो है वो की जा रही है, लेकिन चार जो नए मरीज अभी डिटेक्ट किए गए हैं उसके बाद सरकार के लिए यकीनी तौर पर चिंता बढ़ गई है। सहयोगी बिट्टू के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।